ये इस विलेज की मार्केट है। इस जगह का नाम सरायमीर है। सरायमीर आजमगढ़ के ज़िले में आता है। सरायमीर आजमगढ़ ज़िले का कस्बा है। सरायमीर छोटी दुबई के नाम से काफ़ी मशहूर है। कुछ लोग इसे छोटा दुबई या कुछ लोग इसे मिनी दुबई भी बोलते हैं। दुबई की ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ज़्यादातर चीज़ें सरायमीर की मार्केट में आपको मिल जाएंगी। यहाँ की शॉपिंग करने लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। इस मार्केट में खाने पीने से लेकर के बच्चों के आइटम, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ब्लैंकेट, बेडशीट, हाथ की बनी हुई एम्ब्रॉयडरी वाली ब्लैंकेट बेडशीट भी आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर रेडीमेड कपड़े और कपड़े का मटेरियल भी आपको हर टाइप का यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर बच्चों के छोटे छोटे खिलौने थे जो कि काफ़ी खूबसूरत थे, जो कि एल्युमिनियम के थे, और ये झूला काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे किचन के छोटे छोटे खिलौने थे बच्चों के, जो कि काफ़ी यूनिक थे। इस शॉप पर कपड़े पे लगाने वाली लेस थी जो कि काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत थी और अलग अलग डिज़ाइन की थी। लेस के अलावा भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी, जैसे कॉस्मेटिक की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी। बेबीज़ के भी काफ़ी आइटम थे यहाँ पर। ये लेस काफ़ी अच्छी लगी तो हमने इसे परचेज़ कर ली, और सेकेंड ये लेस भी काफ़ी अच्छी लगी तो ये भी हमने परचेज़ की। ये गली रंगाई गली से काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुपट्टे को किस तरह से कलर किया जा रहा है। यहाँ पर आप कॉटन के या कोई भी मटेरियल के दुपट्टे दे, जो भी कलर आप करवाना चाहे वो कलर के आप करवा सकते हैं। और डिज़ाइन में भी ये लोग कलर करते हैं, जैसे एक ही दुपट्टे में ये आपको कई कलर करके दे देंगे। और यहाँ का कलर काफ़ी पक्का होता है और दूर दूर से लोग आते हैं कलर करवाने यहाँ पर। इस शॉप पर काफ़ी खड़े कपड़े के मटेरियल थे। ये ज्वेलरी की शॉप पर काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत रिंग और नेकलेस थे। यहाँ पर कॉटन और कलरफुल पापड़ और राशन की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। और ये सामने एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर वेजिटेबल मिलते हैं। यहाँ के लोग इस जगह को सब्ज़ी मंडी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सब्ज़ियाँ मिलती हैं और राशन की चीज़ें मिलती हैं। ये मार्केट काफ़ी बड़ी है। हमने काफ़ी जगह की वीडियो नहीं बना पाई है। इस जगह पर ज़्यादातर शॉप हील्स और स्लीपर की थी। डेली यूज़ वाले स्लीपर्स काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर मिलते हैं और पार्टी वेयर हील्स भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर रहती है।
ये मार्केट कुछ इस तरह से बनी है, सारी शॉप के ऊपर घर हैं जिसमें लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोगों के घर उनकी शॉप के ऊपर ही हैं, जैसे उन्होंने शॉप बना लिया और ऊपर घर रहने के लिए बना लिया, जिससे उन्हें काफ़ी इजी पड़ता है। और कुछ शॉपकीपर ऐसे हैं जो कि दूर से आते हैं, और कुछ शॉपकीपर ऐसे हैं जिनका दूसरे विलेज में घर है और उनकी शॉप इस मार्केट में है, तो वो डेली आते रहते हैं। ये यहाँ की काफ़ी पुरानी मार्केट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर एक अंकल अपने ठेले पर टोस्ट बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग अपना खुद का ठेला लेते हैं और उस पर उनका जो दिल चाहता है वो सेल करते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जो रेंट पर या खुद की शॉप नहीं ले सकते, तो ऐसे लोग अपना खुद का ठेला लेते हैं या अपनी साइकिल पर जो दिल चाहता है वो सेल करते हैं। यहाँ पर लेडीज़ ड्रेसेस मिलते हैं, ये सब खड़े कपड़ों के मटेरियल है। यहाँ पर डेली यूज़ होने वाले कपड़े और पार्टी वेयर कपड़े दोनों ही अवेलेबल, और यहाँ पर सेमी स्टिच ड्रेस भी अवेलेबल है। ये कॉटन के कपड़े के मटेरियल हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन और स्टील के बर्तन, हर टाइप के बर्तन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और मिट्टी के भी बर्तन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे बच्चों के रेडीमेड कपड़े और बच्चों के खिलौने सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक बच्चा बलून बेचते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि वो कुछ ना कुछ सेल करा करते हैं ताकि उनके स्कूल की फ़ीस या उनकी किताबें आ सकें उन पैसों से। इस मार्केट में आपको अबाया भी मिल जाएगा, जो कि दुबई से बनकर आता है, जो कि काफ़ी अच्छे मटेरियल का होता है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ की नमकीन काफ़ी मशहूर है, यहाँ की नमकीन आउट ऑफ कंट्री भी जाती है। यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी की शॉप है। यहाँ पे सारी शॉप गोल्ड ज्वेलरी की है, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे दुल्हन के ड्रेस अवेलेबल हैं, यहाँ पे लहंगा गरारा सब आपको मिल जाएगा। ये सुपरमार्केट है, इस तरह की शॉप यहाँ पर कई जगह बनी हुई है, हमने हर जगह की वीडियो नहीं बना पाई है।
यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी शोपीस मिल रही थी। ये लकड़ी की शोपीस जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ये सैंड क्लॉक वाली शोपीस और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये रोज़ फ्लावर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, एकदम रियल दिख रहा था, तो हमने इसे परचेस कर लिया। ये ताजमहल वाली शोपीस है जिसके अंदर रंग बिरंगी लाइटें जल रही है, और ये डॉल काफ़ी प्यारी लग रही है और एकदम रियल दिख रही थी। और यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ हैं।